दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल तिवारी और आप वेस्टर्न बैंकर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गाइज अगर आपका खाता है एक्सिस बैंक में है और गाइज आपके खाते के साथ आपकी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फाइनली गाइज ये वीडियो आपके लिए है। गाइज आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आपका खाता है एक्सिस बैंक में है और गाइज आपके खाते के साथ आपकी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर गाइज मोबाइल नंबर आपकी लिंक है और वह मोबाइल नंबर कहीं पे गुम हो गई है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर किस प्रकार से लिंक करेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक 2023 में ऑनलाइन अपने कस्टमरों को मोबाइल नंबर लिंक करने की फैसिलिटी दी है या फिर नहीं दी है। अगर यहाँ पे ऑनलाइन मोबाइल नंबर लिंक करने की फैसिलिटी एक्सिस बैंक अपने कस्टमरों को दी है तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने अकाउंट के साथ आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक करेंगे, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी खाते के साथ आपकी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी समस्या को झेलनी पड़ती है। जैसे कि आप यूपीआई की जितनी सारी ऐप है जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारी ऐपों को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी खाते के साथ किसी भी प्रकार की बैलेंस ट्रांजेक्शन होती है तो उस बैलेंस की इंक्वायरी आपको मैसेज के माध्यम से नहीं मिल पाती है। साथ में गई आप अपने खाते की बैलेंस नहीं चेक कर पाते हैं कि आपकी खाते में कितना बैलेंस है। तो फाइनली गई इसी सब कारण के चलते आपको अपने खाते के साथ आपको अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए गई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं कि हम अपने खाते के साथ मोबाइल नंबर को किस प्रकार से लिंक करेंगे। देखिए गाइज, एक्सिस बैंक अपने कस्टमरों को यहाँ पे दो फैसिलिटी देती है मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए। पहली फैसिलिटी है कि आप ब्रांच विजिट करेंगे, वहां पे आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, उस फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे और एक्सिस बैंक की जो भी ब्रांच एग्जीक्यूटिव है उनको आप इस फॉर्म को सबमिट करके आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर कंप्लीट लिंक कराएंगे। दूसरी फैसिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप घर बैठे आप अपने खाते के साथ मोबाइल नंबर किस प्रकार से ऑनलाइन लिंक करेंगे। देखिए गाइस, इसके लिए मैं एक्सिस बैंक के जो भी एग्जीक्यूटिव हैं उनसे यहां पे कंप्लीट बात किया है, यानी कि गाइस एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से मैंने बात किया है कि हम अपने ऑनलाइन मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं घर बैठे या फिर नहीं लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बात करता हूँ। देखिए सर, बहुत सारे लोग कमेंट करके हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक्सिस बैंक में मेरी खाता है तो हम अपने खाते के साथ हम अपनी मोबाइल नंबर को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं या फिर नहीं लिंक कर सकते हैं। क्या जान सकते हैं पहले से आपके अकाउंट में कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है सर? हाँ सर, वो चालू है अभी? हाँ सर चालू है। और दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं ये? यस सर। तो आपको बताना चाहूँगा आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर सकते हैं सर। जी कैसे? एटीएम के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, सर मैसेज सेंड करके और यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करने की कोई ऑप्शन नहीं है? जी नहीं सर, तीन माध्यम द्वारा कर सकते हैं, या एटीएम से, अच्छा, या इंटरनेट बैंकिंग से, या ब्रांच के द्वारा सर। अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर जो लिंक है अकाउंट में अगर वो एक्टिवेट है तो। जी अच्छा, एक चीज और सर, की अगर मेरे खाते में कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अगर हम न्यू मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो कैसे लिंक करेंगे? तो सिर्फ आप ब्रांच के द्वारा कर पाएंगे, अपने होम ब्रांच के द्वारा। सर उसको हम अपनी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर मैसेज कोड के माध्यम से नहीं लिंक कर सकते हैं? जी नहीं सर, सिर्फ ब्रांच के द्वारा होगा सर वो। सर यानी ऑनलाइन मोबाइल नंबर लिंक करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है न्यू मोबाइल नंबर के, यही ना सर? मोबाइल नंबर अगर अपने अकाउंट के साथ लिंक करना होगा तो मुझे ब्रांच विजिट करना होगा। जी सर, तब अपने अकाउंट के साथ हम अपनी मोबाइल नंबर लिंक करेंगे। ओके सर। जी सर, जी बिल्कुल सर जी। हम अपने अकाउंट के साथ सर ऑनलाइन मोबाइल नंबर क्यों नहीं लिंक कर सकते हैं, इसको क्या इसमें कोई डिटेल्स में जानकारी दीजिए ना मुझे। सर ऑनलाइन मोबाइल नंबर इसलिए लिंक नहीं कर सकते क्योंकि अगर मोबाइल नंबर आपका लिंक ही नहीं है तो आप ना तो इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे। ओके सर, बिना मोबाइल नंबर के जी। और कोई प्रोसेस है नहीं दूसरा सर मैसेज के द्वारा मोबाइल नंबर लिंक करने का, इसलिए। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के जो भी कस्टमर केयर है मैंने उनसे बात किया, यहाँ पे आपने कंप्लीट रिकॉर्डिंग सुना है कि अगर आपके खाते में पहले से कोई मोबाइल नंबर लिंक है और गाइस वह मोबाइल नंबर अभी एक्टिव है तो आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके और आप अपने खाते के साथ आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं या फिर गाइस ब्रांच विजिट करके यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अगर गाइस आपके खाते के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उस कंडीशन में आपको ब्रांच विजिट करके आपको अपने अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक करानी होगी। जैसे गाइस यहाँ पे अगर आपकी अकाउंट के साथ आपकी मोबाइल नंबर लिंक हो जाती है तो यहाँ पे आपको जो टोल फ्री नंबर दिया गया है इस नंबर के माध्यम से आप अपनी अकाउंट की बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट चेक कर सकते हैं। साथ में गाइस अगर आप जो है एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट के बारे में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं
तो यहाँ पे आपको जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है, फाइनली गाइस इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपने अकाउंट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि यहाँ पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जा रहे होंगे जिसमें गाइस बताया जा रहा होगा कि आप एक्सिस बैंक में अगर आपकी खाता है तो आप अपने खाते के साथ मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं बस एक मैसेज भेज के। और तो और गाइस वहां पे आपको प्रोसेस भी करके दिखाया जा रहा होगा, बट गाइस आप जो है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक करेंगे तो नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर के आपके मन में काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट होंगे और गाइस आपके काफी ज्यादा टाइम जो है वेस्ट होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आपको फई से फई इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि आप एक्सिस बैंक में ऑनलाइन मोबाइल नंबर लिंक नहीं कर सकते हैं। और तो और गाइस यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक के जो भी कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट है मैं उनसे बात करके आपको लाइव मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीजें समझ गए होंगे कि एक्सिस बैंक में अगर आपकी खाता है और आपके खाते के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किस प्रकार से लिंक करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पे मैं बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।